सक्सेस चीफ हूँ सी के सर में और मैं हूँ चंद्रकुल सर। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि बहुत ही जबरदस्त पाठ है। और हाँ, इसका तैयारी आप लोग को मैं करवाऊंगा जबरदस्त तरीकों से। दोस्तों इससे पूछे भी जाते हैं बोर्ड में, बहुत ही मस्त मस्त प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसे जरूर पढ़ें और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको पक्का है कि दिमाग में नहीं दिलो दिमाग में समा जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूं कि यदि अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं तो देखिए, तो कहता है कि क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा के बारे में हम लोग जो ये मुख्य मुख्य जो पॉइंट है इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों पहला पॉइंट क्या है, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा कहते हैं कि पृथ्वी तल के समानांतर, पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई रेखा को ही हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। जैसे मान लिया जाए पृथ्वी तल है और इसके समानांतर हम लोग एक रेखा खींच दी, तो यही हो गया क्षैतिज रेखा, इसी को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। दोस्तों अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा कहता है कि किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी भी दर्शक के आंख तथा उस वस्तु को देखे जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए कि यह कोई एक दर्शक है, ठीक है, मान लिया जाए कि दर्शक है, यहाँ से किसी भी वस्तु को, ये वस्तु है, वस्तु और ये दर्शक है, तो यह इस वस्तु को देख रहा है, तो इस वस्तु और दर्शक की आंख को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। आइए दोस्तों अगला पॉइंट समझते हैं, यानी यह जो रेखा हमें मिला इसी को बोलते हैं दृष्टि रेखा, यही हो जाता है दृष्टि रेखा। आइए देखते हैं उन्नयन कोण। हाँ, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इसको, उन्नयन कोण और अवनमन कोण को। तो उन्नयन कोण कहता है कि जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, जब वस्तु दर्शक, दर्शक बोलते हैं हम लोग देखने वाले को, मान लिया जाए कि हम अभी किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हम दर्शक हो गए। तो कहता है कि जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा, अभी मैंने आपको बताया दृष्टि रेखा क्या होता है, और दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा ही बताया कि पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। दोस्तों अब कहता है गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। मतलब यह कहता है कि जब वस्तु जो है दर्शक से ऊपर हो, मान लिया जाए, ध्यान दीजिए दोस्तों, दर्शक यहाँ पर एक दर्शक है, ये दर्शक है, ठीक है, और वस्तु यहाँ पर है, मान लिया जाए कि यहाँ पर एक वस्तु है और ये दर्शक है, तो देखिए तो दर्शक से तो ऊपर है ना वस्तु, तो कहता है कि जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, दर्शक से ऊपर है वस्तु, ये वस्तु है वस्तु, तब दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा किसको कहते हैं, देखिए दृष्टि रेखा मैंने भी आपको बताया कि किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली, तब वस्तु यह है और इसका आंख यह है, मिलाने वाली रेखा को ही कहते हैं दृष्टि रेखा, ये हो गया दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। अब देखिए और दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा, तो दोस्तों ये पृथ्वी तल है ना, ये पृथ्वी तल है, तो कहता है कि दृष्टि रेखा, तो दृष्टि रेखा तो ये हो गया, अब कहता है क्षैतिज रेखा, क्या कहता है, दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा, तब पृथ्वी तल के समानांतर होता है तो आंख से गुजरने वाला क्षैतिज रेखा, तो काल्पनिक एक हम लोग रेखा पा लेंगे, ये हो गया क्षैतिज रेखा, इसको ही बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ध्यान दीजिए यहाँ पर रेखा, यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच
बने कोण को ही हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, अतः थीटा जो है उन्नयन कोण हो गया। तो दोस्तों आप लोग उन्नयन कोण समझ गए होंगे कि दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को ही हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। अब अवनमन कोण भी बस इसी पर आधारित है। तो देखिए तो अवनमन कोण क्या कहता है, अवनमन कोण कहता है कि जब वस्तु दर्शक से नीचे हो, उन्नयन कोण में ऊपर था वस्तु लेकिन अवनमन कोण में नीचे है। जैसे मान लिया जाए कि ये जो है पायलट है, ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर, ये जो है मान लिया जाए पायलट है और यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है जो पायलट में इस वस्तु को देख रहा है, तो ये हो गया दृष्टि रेखा। यहाँ से जब इस वस्तु को देख रहा है तो ये हो गया दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। अवनमन कोण पहले जान लीजिए कि इसे कहेंगे कि जब वस्तु दर्शक के नीचे हो तब दृष्टि रेखा दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा को ही के बीच बने कोण को ही अवनमन कोण कहते हैं। यानी कि देखिए दृष्टि रेखा और दर्शक के आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा, तो मान लिया कि ये पृथ्वी पर ये वस्तु रखा हुआ है तो इस पृथ्वी के समानांतर हम लोग पाएंगे इसके आंख के समानांतर एक रेखा, ये हो गया क्या हो गया क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को ही अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। यानी कि अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है और उन्नयन कोण नीचे बनता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है पांचवा कहता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। वो कैसे होता है ध्यान दीजिए, जिस तरह से यहाँ देखिए तो ये बन रहा है क्या है अवनमन कोण, है ना, और ये पृथ्वी तल है और ये क्षैतिज रेखा है, यानी कि ये समानांतर ही है और यह एक तिर्यक रेखा हम लोग मान लेते हैं। तो जब कोई तिर्यक रेखा काटता है कोई दो समानांतर रेखाओं को तो एकांतर अंतः कोण बराबर होती है, अतः इसलिए यह कोण जो है इस कोण बराबर होगा। तो यहाँ पर तो उन्नयन कोण बन रहा है ना, तो यह कोण बराबर ही, यानी कि अवनमन कोण जो है उन्नयन कोण के बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए कहता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ होती है, यानी अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्षैतिज रेखा के साथ होती है हमेशा। दोस्तों देखिए तो यहाँ पर कहता है, अब नेक्स्ट आगे प्रश्न हल करते समय दर्शक को, जब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे तो उसमें दर्शक को एक बिंदु के द्वारा तथा वस्तु को एक बिंदु या एक रेखा खंड के द्वारा सूचित करते हैं या दर्शाते हैं। तो आइए दोस्तों इतना बातें आपको बहुत ही समझ में आया होगा, नहीं आए तो आप नोट कर सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन करके आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से एक बार याद कर लीजिए जिससे कि आपको प्रश्नावली समझने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आइए दोस्तों अब इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं उदाहरण। तो फर्स्ट उदाहरण देखिए, तो आइए दोस्तों उदाहरण लेकर के मैं आपको एक दो उदाहरण लेकर के आपको मैं बताता हूँ और आप भी बिल्कुल चुटकियों में बनाएंगे, मेरा वादा है। दोस्तों देखिए तो मैंने दो उदाहरण लिया है और हाँ इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बोल दूँ कि आपको फिगर मतलब इमेज जो है आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़कर समझना है। आइए आप भी समझेंगे। देखिए पहला उदाहरण कहता है, उदाहरण पहला जो है कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज के पहला को हम लोग हल कर रहे हैं दोस्तों, पहला का हल जो जो कहेगा जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग इमेज को बनाते हैं। अगर आपका इमेज बन गया तो आप 50% समझिए कि हल कर दी, ठीक है। तो आइए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, फिगर को समझना है, पारना है। तो त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, तो एक त्रिभुज पहले पार लेंगे एबीसी, देखिए जिसमें कह रहा है कि कोण ए 90 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ जो 90 डिग्री है से ए है,
ए 90 डिग्री पार दिए, अब ए बी बराबर कहता है 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना कहता है 6 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग बी मान लेते हैं, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब कहता है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर, यानी कि यहाँ सी बिंदु मान लेते हैं, तो ए सी बराबर 2√3 मीटर, 2√3 सॉरी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो कोण बी का मान ज्ञात करें, यानी कोण यह पूछ रहा है वो आठ है, यह कोण बी कह रहा है कई डिग्री का यहाँ कोण बनेगा। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, इस क्लास को शुरू करने से पहले, इस उदाहरण को बताने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूँ कि यदि इस तरह कहा जाए तो हम लोग संबंध को देखते हैं कि किस किस में संबंध को बता रहा है। तो देखिए कोण यह ज्ञात करना है, तो इस कोण के सामने की भुजा हो गया लंब, और जो एक दिया हुआ है यानी कि जो दिया हुआ भुजा लगता है ना, जो इमेज में जिस जिस भुजा का मान दिया हुआ रहता है उस भुजा के संबंध में हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को चुनते हैं। तो देखिए तो इस कोण के सामने की भुजा लंब और ये हो गया आधार, तो लंब और आधार में देखेंगे कि कौन संबंध रखता है, यानी जो भुजा दिया हुआ रहेगा उसमें ही संबंध देखना है। तो लंब और आधार का मान दिया हुआ है, तो लंब और आधार में टैन संबंध रखता है, तब मान लेते हैं इस कोण को थीटा, यानी कि थीटा का मान पूछा है, थीटा बराबर बार, तो लिखेंगे कि माना कि सी ए बी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर क्या है 90 डिग्री तथा कोण बी बराबर थीटा माना, मान लिया है, इसलिए थीटा बराबर वाई, थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों हम लोग चलेंगे अब समकोण त्रिभुज सी ए बी में, सी ए बी में चलेंगे। तो देखिए लंब और आधार टैन का संबंध रखता है, तो लिखेंगे टैन थीटा बराबर, क्योंकि इसी कोण ज्ञात करना है कोण, तो थीटा लिख दिया, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या है ए सी बटा आधार क्या है ए पी। चलिए ए सी का मान रख दीजिए, तो ए सी का मान है 2√3 बटा ए बी का मान, ए बी का मान तो 6 लिख दिए। अब द्वितीय आई 6 दोस्तों, टैन थीटा बराबर मिल गया 3√3। अब इसे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए ऊपर में √3 है बटा 3 है नीचे ना, नीचे क्या है 3 है, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3, तो 3 × 9 का वर्गमूल 3, और देखिए √3 से √3 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/√3, यानी हमें क्या मिल गया टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर 1/√3। अब क्या हो जाएगा देखते हैं यहाँ पर कि 1/√3 टैन में कितना डिग्री का मान होता है। तो दोस्तों जब हम लोग देखते हैं टैन में ढूंढेंगे तो 1/√3 जो है टैन 30 डिग्री का मान होता है, तो टैन 30 डिग्री, तो टैन 30 डिग्री लिख दिया मैंने 1/√3 के जगह पे, तो देखिए टैन टैन मिल गया, तो टैन थीटा और टैन, तो टैन टैन ऐसे की जगह बंद कर देंगे तो थीटा बराबर हमें मिल जाएगा, या लिख सकते हैं एक मिनट, टैन 30 लिख दिया, देखिए टैन टैन मिल रहा है तो टैन टैन बंद कर देंगे जो बचेगा नीचे लिख देंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, यही आपको आंसर हो गया, यानी कि थीटा, यही कोई पूछ रहा था कि थीटा बराबर कितना होगा तो 30 डिग्री। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरा उदाहरण को देखते हैं, आप भी इसे बनाइएगा, बनेगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे बनेगा। तो देखिए तो अब आते हैं उदाहरण दो, तो उदाहरण दो कहता है कि एक उदग्र मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, एक मीनार दिया हुआ है, उदग्र, उदग्र का मतलब होता है खड़ा, तो कहता है कि एक मीनार है और ये क्षैतिज तल है, क्षैतिज रेखा, ध्यान दीजिए ये मीनार बना है, तो जिसका ऊंचाई दे दिया है 2√3 मीटर,
2 root 3 meter. देख लिया है, ये मीनार है। अब कहता है तथा उसके छाया की लंबाई 2 meter है। दोस्तों ये जब ये इधर सूर्य है तो इसका जो इससे पड़ रहा है इसका तो छाया बनेगा इधर, तो छाया की लंबाई बड़ा है कि कितना है 2 meter है। तो चलिए हम मान लीजिए कि इसका छाया जो है यहाँ से यहाँ तक बन रहा है 2 meter, तो ए बी सी मान लेते हैं। तो कहता है कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अब उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से दोस्तों जब बनेगा उन्नयन कोण यहाँ है ना, तो क्या होगा यहाँ पर ध्यान देंगे, यानी कि कोण बी बराबर उसका है थीटा। तो देखिए कोण बी मान लेते हैं थीटा है ना, तो थीटा ज्ञात करना है। तो देखेंगे कि कौन कौन कोण का मान दिया हुआ है, तो दिया हुआ है लंब और आधार। तो लंब और आधार में कौन संबंध रखता है टैन, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज त्रिभुज सी ए बी में, तो क्या हो जाएगा टैन थीटा बराबर लंब। तो लंब क्या है 2 3 बटा आधार क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया यानी कि रूट 3। तो दोस्तों टेन थीटा बराबर रूट 3, तो रूट 3 टेन में कितना डिग्री का मान होता है, तो टेन 60 डिग्री का होता है। टेन का मिल गया हम कर देंगे तो थीटा बराबर मिल जाएगा 60 डिग्री, यानी थीटा जो है माने थे ये मिल जाएगा 60 डिग्री। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो अभी आपको ये बताया उदाहरण आपको समझ में आया होगा। तो और हाँ एक बात और बोल दूँ कि जो इस तरह का जो प्रश्न है इस वर्ष मतलब कि 2020 में पूछा था, इसलिए आप भी इसे ध्यान से पढ़ें और समझें और सही सही बनाएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही सरल तरीका से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।